Hello friends and very warm welcome to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial today I am going to discuss about malic acid versus maleic acid. So friends, aaj hum log jo hain in टू टर्म्स पे यहाँ पे बात करेंगे. और फ्रेंड्स, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग जो सिमिलर टर्म्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और इसी कंफ्यूजन के चलते वो लोग जो है अपने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत सारी मिस्टेक्स वहां पे कर देते हैं. क्योंकि फ्रेंड्स, जब स्टूडेंट्स जो है या आप लोग जो है जब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते टू टाइप्स के जो हमारे एक जैसे सिमिलर वर्ड्स होते हैं उनमें, तो फ्रेंड्स फिर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन वहां पे बढ़ता है. और जब आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन बढ़ता है तो आप लोगों के जो मिस्टेक्स करने के वहां पे चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं. तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए अपनी इस वीडियो सीरीज में उन सभी टर्म्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो एक जैसे सिमिलर बोलने में और देखने में लगते हैं, बट ये जो टर्म्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं. और आप लोगों के कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का इन सभी टर्म्स को समझना बहुत ही ज्यादा वहां पे क्रूशियल हो जाता है. क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो टू सिमिलर जो वर्ड्स होते हैं या जो टर्म्स होते हैं उन्हीं को ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम्स में वहां पे पूछते हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ज्यादा रहता है. तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे मैलिक एसिड वर्सेस मैलेइक एसिड के बारे में. ठीक है, तो जो आप लोग देख भी रहे हैं कि जो स्पेलिंग है यहाँ पे है MALIC, ठीक है, मैलिक एसिड. और यहाँ पे जो हमारी स्पेलिंग है वो है MALEIC एसिड. ठीक है, ये हमारा यहाँ पे मैलेइक एसिड है और ये हमारा यहाँ पे मैलिक एसिड है. तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये पता चल गया होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे मैलिक एसिड के बारे में. तो मैलिक एसिड जो है वो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोक्सी एसिड है. और फ्रेंड्स, इसकी जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है या जो बायोकेमिकल स्ट्रक्चर है वो आप लोग देख सकते हैं. इसमें हमारा एक यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक हमारा ये कार्बन है, एक हमारा OH ग्रुप है, ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा कार्बन हमारा यहाँ पे है, और ये सेकेंड हमारा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों को पता चल गया होगा. अब बात करेंगे, ये स्ट्रक्चर की बात होगी. स्ट्रक्चर को जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब आप लोग किसी भी बायोलॉजिकल कंपाउंड की या किसी भी केमिकल कंपाउंड की स्ट्रक्चर को वहां पे देखते हैं और आप लोग जो है उसकी बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं. तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे, मैलिक एसिड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम एप्पल जूस बाय CW सेचले इन 1785. तो आप लोगों को ये यहाँ पे पता होना चाहिए. अब बात करेंगे एंटोनी लेवोसी सिर, ठीक है, इन 1787 प्रपोज्ड द नेम एसिडे मैलिक्यू विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फॉर एप्पल मैलस एज इज इट्स जीनस नेम मैलस. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बात हो गई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में. अब बात करेंगे, इट कंट्रीब्यूट्स, जो मैलिक एसिड है इट कंट्रीब्यूट्स प्लेजेंट सोर टेस्ट ऑफ फ्रूट्स. ठीक है, और डी प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड कॉल्ड मैलेट इज अ TCA साइकिल इंटरमीडिएट. आप लोगों ने अगर TCA साइकिल की स्टडी की होगी तो फ्रेंड्स वहां पे आप लोगों को जो है मैलेट जो है TCA साइकिल में आप लोगों को मिला होगा देखने को ये टर्म, और फ्रेंड्स सुनने को मिला होगा. तो ये एक डी प्रोटोनेटेड फॉर्म होती है मैलिक एसिड की, जो मैलेट होता है. तो फ्रेंड्स, TCA साइकिल पे पहले से एक वीडियो चिकीज बायोलॉजी चैनल पे अवेलेबल है, उस वीडियो में आप लोग जाके TCA साइकिल के बारे में भी पढ़ सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं इन डिटेल. तो वहां पे आप लोगों को जो है मैलेट देखने को मिलेगा. तो फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया. तो ये बात होगी हमारे मैलिक एसिड की. अब हम लोग बात करेंगे अपने मैलेइक एसिड के बारे में. तो मैलेइक एसिड जो है ये हमारा अनसैचुरेटेड डाइबेसिक एसिड होता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही होगी. इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक कार्बन एटम ही होता है, और एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा रहता है, और ये जो कार्बन है ये इस हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है, और ये जो कार्बन है इस हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में अटैच रहता है. तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर आप लोगों को पता चल गई होगी. अब इस मैलेइक एसिड के साथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं उनके बारे में भी बात करते हैं. तो फ्रेंड्स, वो है हमारे
ट्रांसफॉर्म ऑफ मैलिक एसिड इज नोन एज फ्यूमरिक एसिड, ठीक है, और फ्रेंड्स ऑल्सो नोन एज मैलिनिक एसिड, ठीक है, मैलिनिक एसिड भी जो है इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मैलिक एसिड को. तो फ्रेंड्स मैलिक एसिड इज नॉट अ टीसीए साइकिल इंटरमीडिएट, ये टीसीए साइकिल का इंटरमीडिएट नहीं है, कभी आप लोग ये यहाँ पे अपने से ही सोच लें. और इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लाइक जैसे कि सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेस एग्जाम, हमारा गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम, आईआईटी जेम बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम, हमारा गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम, हमारा आप लोगों का जेएनयू सीईबी एग्जाम, और फ्रेंड्स डीबीटी जेआरएफ एग्जाम, और हमारा आईसीएमआर आईसीआर, इस तरह के एग्जाम्स में ये पॉइंट्स जो है पूछे जाते हैं. तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को पता चल गया होगा, बट फ्यूमरिक एसिड इज मैलिक एसिड इज अ लेस स्टेबल मॉलिक्यूल दैट फ्यूमरिक एसिड. मैलिक एसिड इज एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइऑक्सिलिक एसिड. तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए. अब ये बात हो गई हमारे मैलिक एसिड के बारे में, मैलिक एसिड के बारे में और मैलिक एसिड के बारे में. अब हम लोग बात करेंगे एक और हमारा यहाँ पे टर्म है जो इन्हीं दो टर्म्स के साथ में सिमिलरिटी रखता है, ठीक है, बट वो अलग है, वो है हमारा मेलोनिक एसिड. मेलोनिक एसिड जो है वो एक दूसरा टर्म है, और फ्रेंड्स इसको भी आप लोगों को अपने माइंड में रिमेम्बर रखना है. तो ये क्या है, मेलोनिक एसिड इज येट अनदर सिमिलर डाइबेसिक एसिड विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. इसमें लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं अगर हम लोग बात करें आप लोगों के साथ में मेलोनिक एसिड की. तो फ्रेंड्स जो स्ट्रक्चर है मेलोनिक एसिड की वो है हमारी, आप लोग देख सकते हैं, इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कार्बन एटम है, इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम है, और ये एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है. तो फ्रेंड्स इसमें जो कार्बन के नंबर है वो कार्बन के नंबर मैलिक एसिड और मैलिक एसिड से कम है. तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को पता होना चाहिए. और एक जो एंजाइम होता है आप लोगों ने नाम सुना होगा सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, तो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम का जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो हमारा मेलोनिक एसिड ही होता है. तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम्स में अब से पहले पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है. और इन दो टर्म्स से रिलेटेड अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप लोगों के मन में कोई छोटा या बड़ा सवाल है, या आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें. और आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं इंडिया के नंबर वन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी. वहां पे भी आप लोग अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स, अपने थॉट्स मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं. और अनअकैडमी जो है वो इंडिया का एक नंबर वन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए इस टाइम पे, क्योंकि फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी के सभी अभी अपने घर पे बैठे हैं ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक. तो फ्रेंड्स इस पेंडेमिक में आप लोगों को अगर अच्छी क्लासेस, लाइव क्लासेस आप लोगों को लेनी है, तो आप लोग आज ही अपने फोन में अनअकैडमी जो ऐप है उसको आप लोग इंस्टॉल कर ले प्ले स्टोर से. और फ्रेंड्स आप लोग जो है अपनी फील्ड से रिलेटेड जो आप लोगों की स्टडी है उसको आप लोग अनअकैडमी ऐप पे आप लोग कंटिन्यू करें. वहां पे आप लोगों को अनअकैडमी लाइव पे बहुत सारे जो स्मार्ट एजुकेटर्स हैं आप लोगों की फील्ड से रिलेटेड वो आप लोगों को वहां पे मिल जाएंगे, और वो आप लोगों को वहां पे लाइव क्लासेस देंगे, आप लोगों को बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे विद पीडीएफ, आप लोगों को जो है लाइव टेस्ट वो वहां पे कराएंगे, आप लोगों को लाइव क्विजेस वो वहां पे कराएंगे. और फ्रेंड्स अगर आप लोग वो क्लासेस ऑनलाइन अटेंड करते हैं तो आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ वहां पे मिलेगा. और आप जो है अनअकैडमी ऐप से आप लोग सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं अपने किसी भी कोर्स का जो आप लोगों की फील्ड से रिलेटेड है. तो फ्रेंड्स आज ही आप लोग जो है अनअकैडमी लाइव पे आप लोग जाएं, और इंडिया के जो नंबर वन स्मार्ट एजुकेटर्स हैं आप लोगों की फील्ड से रिलेटेड आप लोग उनको वहां पे जाके उनके साथ कनेक्ट हो जाइए, और आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को अनअकैडमी ऐप के थ्रू आप लोग कंटिन्यू करें, और आप लोग इस इंडिया के नंबर वन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप लोग जो है चले जाएं और आप लोग वहां पे कनेक्ट हो जाएं. और फ्रेंड्स आप लोगों को वहां पे कोरोना वायरस का भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सभी की सभी जो चीजें हैं आप लोगों की पढ़ाई से रिलेटेड या आप लोगों के कोर्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट और क्रूशियल जो चीजें हैं फ्रेंड्स, वो आप लोगों को सभी की सभी चीजें अनअकैडमी लाइव ऐप पे मिल जाएंगी, या अनअकैडमी आप लोगों का जो ऐप है
वो आप लोगों को वो प्रोवाइड वहां पे करा देगा। और फ्रेंड्स आप लोग जो है वहां पे लाइव बहुत सारे स्मार्ट एजुकेटर से आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज, अपने जो आप लोगों के थॉट्स है वो वहां पे शेयर कर सकते हैं, और आप लोग जो है अपने जो आप लोगों की स्टडी है उसको वहां पे बेटर तरीके से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है इस ऐप के थ्रू अपनी ऑनलाइन स्टडी को आगे फ्यूचर में आप लोग कंटिन्यू करें, आप लोग आगे अपनी स्टडी को लेके जाएं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कुछ टाइम के बाद में मैं आप लोगों के लिए जो IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी एन अकेडमी का जो YouTube चैनल है उस पे भी मैं आप लोगों के लिए कुछ टाइम के बाद वहां पे अवेलेबल हो जाऊंगा। और फ्रेंड्स वहां पे भी मैं आप लोगों को बहुत सारी लाइव क्लासेस, बहुत सारे आप लोगों को वहां पे वीडियोस, बहुत सारे लेक्चर्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। और इन फ्यूचर आगे भी मैं आप लोगों को एन अकेडमी लाइव पे गेट बायोटेक्नोलॉजी और गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम की भी प्रिपरेशन मैं आप लोगों को कराऊंगा, और वहां पे भी मैं आप लोगों के साथ में बहुत सारी वीडियोज में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।